दुनिया के लगभग सभी देशों की कुछ ना कुछ रोचक बातें जरूर होती हैं। ब्रुनेई भी ऐसा ही एक देश है जहाँ की रोचक बातें आपको हैरान कर देंगी। आज भी इस देश में राजतंत्र चलता है, यानी यहाँ राजा का शासन चलता है। ब्रुनेई एक मुस्लिम बहुल देश है जहाँ आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। बाकी कई देशों की तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, जिसे 1 जनवरी 1984 को स्वतंत्रता मिली थी। ये एक छोटा सा देश है। इस देश के राजा के पास बहुत पैसा है। यहाँ की सड़कें आपको यूरोप की याद दिला देंगी। इस देश की मस्जिदें इतनी शानदार हैं कि आप दंग रह जाओगे। और इस देश में दीवारों पर पत्नियों की फोटो लगाने का रिवाज है। ऐसा क्यों है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ब्रुनेई एक छोटा सा देश है। ये स्वतंत्र और तेल समृद्ध देश है जो इंडोनेशिया के पास दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच स्थित है। ब्रुनेई को एक विकसित राष्ट्र माना जाता है और तेल की प्रचुर मात्रा के कारण ये देश तरक्की के रास्ते पर है। इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए इस देश में ना ही राष्ट्रपति है ना ही प्रधानमंत्री। यहाँ पर राजा का शासन चलता है। यहाँ पर 600 सालों से लगातार एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं। उस परिवार का नाम है वोल्किया परिवार और अभी के राजा का नाम है हर्सनेल वोल्किया। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1993 तक यहाँ के सुल्तान हर्सनेल वोल्किया को दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था और आज भी इन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। ब्रुनेई के सुल्तान केवल थाईलैंड के राजा के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शाही राजा हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2011 में उनकी अनुमानित संपत्ति $20 अरब आकी गई थी। ब्रुनेई के सुल्तान को गाड़ियों का बड़ा शौक है और यही वजह है कि उनके पास 7000 लग्जरी कारों का कलेक्शन है, जिनमें 600 रॉयल्स, 300 फरारी और कई जैगुआर शामिल है और इनकी कीमत लगभग 350 अरब रुपए से भी ज़्यादा मानी जाती है। उनकी निजी कार की बात की जाए तो वो सोने से जड़ी हुई है। ब्रुनेई की आधिकारिक भाषा मल्ले है, पर अंग्रेजी और चीनी भाषा भी यहाँ पर अधिक मात्रा में बोली जाती है। ब्रुनेई देश का पूरा नाम ब्रुनेई दारुसलम है और इसका मतलब होता है शांति का स्थान। ये देश अपने पड़ोसियों की अपेक्षा बहुत अमीर देश है और यहाँ का जीवन स्तर भी दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ब्रुनेई के सुल्तान ने अपने 50वें जन्मदिन पर एक विशाल स्टेडियम का निर्माण कराया था और वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए बड़ी बड़ी सुपर मॉडल और माइकल जैक्सन जैसे कलाकारों को भारी भरकम रुपये देकर बुलाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन को परफॉर्मेंस करने के लिए $17 मिलियन यानी 1,25,85,00,000 रुपये दिए गए थे। इस देश में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना मना है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ के लोग सड़क पर कुछ खाने पीने को भी गलत मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि यहाँ मैकडोनल्ड भी काफ़ी कम है। ब्रुनेई देश में तेल की कीमत बहुत कम है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को किसी भी तरह के परिवहन चलाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शहरी बगावान है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की सरकार वहाँ के लोगों को मुफ्त में चिकित्सा और शिक्षा देती है। यहाँ साक्षरता दर 93% से भी ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को ब्रुनेइयंस कहा जाता है। ब्रुनेई देश कितना अमीर है आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ब्रुनेई के लोगों के पास जितने घर हैं उससे कई ज़्यादा वहाँ के लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 1000 लोगों पर 700 कारें मौजूद हैं। ये देश 5,765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस देश की आबादी तकरीबन 4.5 लाख है। ब्रुनेई में तकरीबन 80% आबादी मुस्लिम है, 7% आबादी क्रिश्चियन और 7% आबादी बुद्धिस्ट है और बाकी बची 6% आबादी अन्य धर्म के रहने वाले लोगों की है। यहाँ की खास बात यह है कि इस देश में गैर मुस्लिम लोगों को शराब पीने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस देश की हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रिसमस के उत्सव पर मुसलमान को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर और पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। इस देश में किसी भी न्यूज़ चैनल को देश के सुल्तान के खिलाफ न्यूज़ दिखाने का अधिकार नहीं है। यदि वह दिखाता है तो उस चैनल को सुल्तान द्वारा बंद कर दिया जाता है। ब्रुनेई देश में गे और लेस्बियन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इन्हें एक साथ देख लिया जाता है तो उन्हें 10 साल की सज़ा दी जाती है, लेकिन 2019 में इस कानून को और कड़ा कर दिया गया है। अब इस देश में कोई इस तरह की हरकत करते पकड़ा जाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है। ब्रुनेई के नियम इतने सख्त हैं आप चाहकर भी इस देश में क्राइम नहीं कर सकते। आप बिना डरे रात में किसी भी वक्त यहाँ घूम सकते हैं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा।
दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल हर्सनेल बोल्किया का महल लुरुल प्लेस है, जो 300 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, जिसे 1984 में 2287 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। 2500 ज्यादा कमरे वाले इस पैलेस का डोम 22 कैरेट सोने से जड़ा हुआ है। इस पैलेस में 257 बाथरूम मौजूद हैं। बुन्नई देश में बीचेस की बात की जाए तो यहाँ पर दुनिया के सबसे अच्छे बीचेस मौजूद हैं, जहाँ आप अपना हॉलीडे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फैमिली के साथ रिलैक्स फील कर सकते हैं। यहाँ के बीचेस में मोरा बीच, तंजोंग बातू बीच, तंगुकू बीच सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप कभी भी घूमने जाएं तो आपको इन बीचों के किनारे पर घूमने में अलग ही देश में होने का फील होगा। इस देश के सभी लोग अपने घर की दीवार पर अपनी पत्नियों की तस्वीर लगाते हैं, ये यहाँ का रिवाज है। किसी किसी घर में एक से ज़्यादा पत्नियों की तस्वीर देखने को मिल जाती है। पत्नियों के अलावा दीवार पर सुल्तान की भी तस्वीर लगाना जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर वहाँ के लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ता है और उन्हें जेल भी हो सकती है। बुन्नई के सुल्तान के पास अपने 3 प्राइवेट जेट हैं, पहला बोइंग 747-400, दूसरा बोइंग 767-200 और एयरबेस A340-200। bondrich.com के मुताबिक सुल्तान का जेट बोइंग 747-400 किसी पैलेस से कम नहीं है। सोने से जड़े इस जेट में लिविंग रूम से लेकर कई बेडरूम और लग्जरी का हर इंतजाम मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी ऐसी ही और वीडियो आप तक आ सके।